और कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई, देख लो कितनी ऊंची ऊंची होटल बिल्डिंग्स वगैरह हैं यहाँ पे। हाय, डू दे हैव ए स्मॉल कैफे, और इस पे आप रूफ टॉप पे बैठ के तो भाई आज का प्लान ये है ना कि ये जो हमारे पीछे ये आप लोग सिडनी का सिटी सेंटर देख रहे हो, तो इस सिटी सेंटर में जो है ना कि छोटी छोटी गलियां होती हैं इन बड़े बड़े होटलों के नीचे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिडनी सिटी के अंदर जो छोटी छोटी गलियां होती हैं वो मैं दिखाऊंगा कि भाई यहाँ सिडनी सिटी के अंदर गलियाँ रोड वगैरह कैसा होता है और वहाँ का माहौल कैसा होता है, वो सब मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो भाई कुछ इस तरह का हमारा ये होटल है और इस होटल को बोलते हैं ऑक्स होटल, जो कि हाइट पार्क के पास में ही है। अब बिल्कुल रोड से लगा हुआ ये होटल है। तो चलो गाइस सिडनी एक्सप्लोर कराते हैं, वो भी बिल्कुल लोकल स्टाइल में आप लोगों को। तो कुछ इस तरह का मेरा होटल था गाइस, हाइट पार्क प्लाजा इस होटल का नाम है और जो कि हाइट पार्क के पास ही स्थित है। तो कुछ इस तरह का पहला इम्प्रेशन है भाई सिडनी का, कुछ इस तरह का रोड वगैरह है आप लोग देख सकते हो। ट्रैक जो है गाइस सिर्फ और सिर्फ लाइट रेल के लिए बनाया हुआ है, और लेफ्ट और राइट में बिल्डिंगों के नीचे आप वॉकिंग कर सकते हो, और कुछ इस तरह का नज़ारा होता है भाई जब वॉकिंग करने के लिए आप निकलते हो सिडनी में। तो गाइस यहाँ पे जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो ये लोग थोड़ा इस तरह का कपड़ा इसलिए पहने हैं कि ताकि ज़्यादा लोगों का अटेंशन इनके ऊपर जाए। तो इन लोगों का मैसेज ऐसे लोगों को है जो एनिमल वगैरह को काट के मार के खा जाते हैं, वो लोग ना खाए, एनिमल की रक्षा करें, तो उसके लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाई सिडनी एक्सप्लोर करने के लिए एक बिग बस होता है सिडनी में, जिसका टिकट लगभग आपका 2000 रुपये के आसपास हो सकता है, और इस पे आप रूफ टॉप पर बैठ के पूरे सिडनी को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस बस को जो मैंने अभी आपको दिखाया इसका भी मैं टूर आप लोगों को कराऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है। तो पहले मैं भाई बनारस की गलियां जुबान पे आ जाता है, क्योंकि वो मेरा होम टाउन है ना गाइस। तो मैं पहले आप लोगों को सिडनी की गलियों का टूर कराता हूं गाइस, उसके बाद मैं बस का भी टूर कराऊंगा कि आप कितने आसानी से सिडनी में ट्रैवलिंग कर सकते हो। अभी जो है कि मैं विनयार्ड में हूँ, और ये लाइट रेल स्टॉप है जहाँ पे रेड वाली लाइट रेल जो होती है स्टॉप होती है। तो अगर वॉकिंग पे हो आप तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो गाइस एक तरह से अगर आप ये बड़ी वाली बिल्डिंग देख रहे हो ना, तो अगर इसके पीछे जाना है तो उसके लिए आपको गलियों का ही सहारा लेना पड़ेगा, और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये है ना मेन रोड है ना, अब मैं आपको गलियों में ले चल रहा हूँ। और गाइस गलियों में सिर्फ और सिर्फ आप वॉकिंग कर सकते हो, जैसे कि आप देखो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो गाइस इन गलियों में जो है ना ये स्टॉप ब्रेकर लगा होता है जहाँ पे आप कार वगैरह ड्राइव नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस अब आप लोगों को जो हमारे पीछे ये गलियाँ दिखाई दे रही हैं ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं सिडनी में, अब उसका टूर मैं यहाँ से शुरू करूँगा। और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा है गाइस इस गलियों के अंदर, और ये बिल्डिंग जो है गाइस बहुत ही हेरिटेज लुक में है, और इनकी खिड़कियां देखो कुछ पुराने ज़माने में ऐसी हुआ करती थी, और ये भी देख सकते हो आप लोग। तो चलो भाई गलियों में चलते हैं। तो गाइस अभी जब मैं मेन रोड पे था तो बहुत तगड़ा धूप था, अभी गलियों के नीचे आ गया हूँ तो देख रहो थोड़ा डार्क सा लग रहा है। और हमारे पीछे ये भी देख सकते हो, ये भी गली है, और
ये भी गली है और ये भी गली है, और देख सकते हो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। मैं आपको सब कुछ एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और जो भी रियलिटी है वही सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना गाइस, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। देखो कुछ इस तरह का ये लाइटिंग वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। यू फ्रॉम सिडनी और अनदर कंट्री और अनदर सिटी? ओके, तो भाई यहाँ कुछ लोकल लोग भी हैं, इस गलियों का एक्सप्लोर कर रहे हैं फैमिली के साथ, और इनसे मिलकर अच्छा लगा। तो भाई देखो, उस रोड से मैं स्टार्ट किया था और इन गलियों से होते हुए मैं अभी दूसरे स्ट्रीट पे आ गया हूँ। तो भाई मैंने ट्रैम वाली साइड से स्टार्ट किया था वॉकिंग, अब गलियों से होते हुए मैं देखो दूसरे साइड में आ गया हूँ। तो कुछ इस तरह की सिडनी में गलियाँ होती हैं छोटी छोटी, और देखो बाहर धूप कितना तगड़ा हो रहा है भाई, आप लोग देख सकते हो। और देखो कितनी बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं, और चारों तरफ का मैं नज़ारा दिखाऊँगा आप लोगों को। देखो अब चलो कुछ और भी दिखाते हैं आप लोगों को। टुडे आई एम एक्सप्लोरिंग द स्मॉल स्ट्रीट ऑफ सिडनी बिकॉज पीपल लव टू सी दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो भाई यहाँ पे हम एक फैमिली से मिले हैं सिडनी की गलियों में। तो यहाँ पे हम एक लोकल फैमिली से मिले हैं, जो लोग यू गाइज फ्रॉम हियर? यस। सो यहाँ एक लोकल फैमिली से मिले हैं, तो ये लोग भी अपना वॉकिंग टूर का इंजॉय कर रहे हैं। डू यू थिंक मैम, डू यू थिंक exploring Sydney small street is a good idea as a tourist? There's as a whole little like different types of shops, different boutiques, okay, boutiques, you know, and what else? Food places. Huh? There's a lot. And is there any kind of a small cafe for absolutely tourists where is a cheap price? Yes. For a solo traveler? Very affordable. Is there some place like that? Yes. Where you can buy a cheap breakfast, cheap tea or coffee? 100%. Yeah? Yep. Where is that place? That's right underneath. You can go in any of the little streets here. There is a little street? Yeah, yes. That's a little street. Right side? Yeah, the right side's a little street. Yeah. Hmm? Keep walking down, there's another little street. And do they have a small cafe? Yeah, 100%. Absolutely. Okay, so very nice to meet you guys. You are such a lovely family, and you will be in my blog. You can check out in 2 weeks' time. Traveling happy. Traveling happy. Traveling happy. Good luck. Thank you. Bye. Safe trip. Bye. Bye. तो गाइस अभी जो ये फैमिली हमको मिली थी वो लोग यहाँ लोकल थे, और उन्होंने बताया कि यहाँ राइट में एक स्मॉल स्ट्रीट है जहाँ पे जैसे कि छोटे छोटे कैफे होते हैं, वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कॉफ़ी वगैरह कर सकते हो। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो भाई ये बेकरी है यहाँ पे। तो गाइस कुछ इस तरह का नज़ारा है जिसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, टी कॉफ़ी भी है, और उसके बाद तरह तरह के शॉप भी हैं इस सिडनी सिटी सेंटर के अंदर। तो कुछ इस तरह का नज़ारा होता है कैफ़े वगैरह का, आप लोग देख सकते हो लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह का एंजॉय कर रहे हैं। और अब देखो उधर वाली, अब सामने हम दूसरी रोड पे निकल गए, तो उधर से मैंने स्टार्ट किया था, अब इधर आउट हो गए। तो भाई तो बिल्कुल अलग जैसा ही फील हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइनी टाइनी यहाँ पे रास्ते हैं इधर से उधर जाने के लिए। अब देखो इधर से मैं बाहर आ गया, देखो। तो गाइस इन सारी बिल्डिंगों के बीच में, जैसे कि ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, तो उनके नीचे कुछ इसी तरह का छोटा बड़ा रास्ता गलियां वगैरह होता है यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ आप वॉकिंग कर सकते हो। तो जहाँ पे सिर्फ आप वॉकिंग कर सकते हो ना, तो उसको गलियां ही बोलते हैं। तो भाई यही जो है वॉकिंग ही आपको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है सिटी सेंटर के अंदर। और कुछ इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा जब आप सिडनी में वॉकिंग टूर पे निकलोगे। तो भाई इन बड़ी बड़ी होटलों के बीच में से जो रास्ता निकलता है यहाँ सिडनी में, उसे गलियाँ बोलते हैं। तो भाई सिडनी में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा, वॉकिंग का भी मिलेगा, ड्राइविंग का भी मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ वॉकिंग वाली गलियाँ ही मिलेंगी। और कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई, देख लो कितनी ऊँची ऊँची होटल बिल्डिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर। तो भाई सिडनी की छोटी बड़ी गलियों से होते हुए मैं
डार्लिंग हार्बर की तरफ चल रहा हूँ और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा है हमारे पीछे का, बड़ी बड़ी होटल बिल्डिंग्स वगैरह हैं और रोड वगैरह कुछ ऐसा होता है सिडनी सिटी के अंदर, आप लोग देख सकते हो। और इधर का भी मैं दिखा देता हूँ गाइस, इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये होटल है सिडनी होटल, जो कि 1902 में बनाया गया भाई, 120 साल पुराना होटल है हमारे पीछे, आप लोग देख सकते हो। डार्लिंग हार्बर ब्रिज पे आ चुका हूँ और हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल सा नज़ारा है सिडनी सिटी का। और ज़्यादातर 5-स्टार होटल हमारे पीछे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो लोकेशन है ना, टूरिस्टों के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन है डार्लिंग हार्बर, जहाँ से आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, जैसे कि बोट राइड वगैरह हो गया, सी लाइफ म्यूज़ियम हो गया और ये पीछे झूला वगैरह हो गया। तो ये इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आप लोगों को करने के लिए मिलेगा जब आप डार्लिंग हार्बर विज़िट करते हो तो। और मैं आप लोगों को 360 व्यू दिखाता हूँ डार्लिंग हार्बर ब्रिज के ऊपर से, देखो क्या मस्त प्लेस है भाई। तो नंबर वन पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा डार्लिंग हार्बर। तो भाई डार्लिंग हार्बर ब्रिज से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जैसे ये सोफिटेल होटल हो गया, झूला हो गया और ये उसके नीचे ये शॉपिंग मॉल वगैरह हो गया और इधर सारी जेटी वगैरह लगी हुई हैं। तो भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर जो है ना बहुत ही खूबसूरत है गाइस, लाइफ में एक बार ज़रूर आना गाइस मौका मिले तो। तो भाई सिडनी की गलियों से भटकते भटकते जो है कि मैं ओपेरा हाउस के पास पहुँच चुका हूँ और हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो हार्बर ब्रिज, और यहाँ पे भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है, बहुत सारे लोग लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पे और आप लोग देख सकते हो सारे लोग कुछ इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस वगैरह भी चल रहा है। तो भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है सिडनी का। आप लोगों को आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो गाइस लाइक कमेंट ज़रूर करना, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देख लो गाइस कुछ इस तरह का 360 व्यू है और हमारे पीछे एक म्यूजियम सा है, लेकिन म्यूजियम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ इस तरह का फेरी स्टेशन होता है भाई यहाँ पे सिडनी में, देखो कुछ इस तरह का ये फेरी स्टेशन होता है, आप लोग देख सकते हो ये।